झारखंड में एक बार फिर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी परिसर में स्थापित किए जाने वाले गौतम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की आधारशिला आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रखी। मजे की बात यह है कि जिस सरकार के द्वारा लगातार निजीकरण का विरोध किया जाता रहा है और जो इंडिया गठबंधन मोदी कार्यकाल के दौरान होने वाले प्राइवेटाइजेशन की खिलाफत करता आया है, राज्य में उन्हीं की सरकार में निजी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला खुद सीएम रख रहे हैं। इस तरह से गौतम मेडिकल कॉलेज राज्य का तीसरा निजी मेडिकल कॉलेज होगा। फिलहाल झारखंड में दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज। गौतम मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की शिलान्यास समारोह के संबोधन के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि निजी क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज का खुलना स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से निश्चित तौर पर राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। झारखंड में स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोले जाने की जरूरत है। इस राज्य में आज भी देश के मानक स्तर से काफी कम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। ऐसे में यहां नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने इस मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में निवेश करने वालों को सहयोग देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समेत किसी भी क्षेत्र में जो निवेशक यहां निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। वे अपना प्रस्ताव दे, सरकार पूरी गंभीरता से इस पर विचार करेगी। निवेशकों को सरकार की नीति के अनुरूप इंसेंटिव भी दिया जाएगा। शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए दूसरे राज्यों व देशों पर निर्भर रहने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी बेहतर इलाज के लिए लोग दूसरे राज्यों और बड़े शहरों का रुख करते हैं। वहां महंगा इलाज होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। सरकार की कोशिश है कि यहां के लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर और आधुनिक चिकित्सीय जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध करा सके। इस दिशा में मेडिकल कॉलेज तथा विभिन्न अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। जांच की आधुनिकतम मशीन उपलब्ध कराने के साथ साथ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। नए अस्पतालों के खुलने से लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी पर विशेष जोर देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण और सुदूर इलाकों से लेकर शहरों तक लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है। इस दिशा में स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कर रहे हैं। सरकार इसके लिए तो कार्य कर ही रही है, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को भी इसके लिए आगे आना होगा। वे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सभी के सहयोग से हम राज्यवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सफल होंगे।